हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो A3s का टॉप 5 फीचर्स के बारे में। तो देख लो भाई, जिन जिन लोगों के पास ओप्पो A3s है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स के बारे में आज बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स के बारे में। अगर यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले फीचर्स का नाम है YouTube बैकग्राउंड प्ले। तो भाई लोग, YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कैसे करें? सबसे पहली जो चीज़ है, YouTube को बैकग्राउंड प्ले करने का कोई किसी भी ऐप नहीं है, और YouTube में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉन्ग्स और वीडियो हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर YouTube को बैकग्राउंड प्ले करना हो तो सिंपली YouTube में आपको आना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं YouTube में आ चुका हूँ और एक NCS के पेज में हूँ। तो बेसिकली NCS के पेज का एक सॉन्ग शायद आप सुन रहे हैं, और सुनने के टाइम क्या हुआ, अगर आप कुछ इस तरह से उसको मिनिमाइज कर देते हैं तो सॉन्ग प्ले होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब का ऐप है, कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है। तो अगर आप सॉन्ग को प्ले करते हुए फोन में कुछ और काम करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे ऊपर करके आपका जो रिसेंट ऐप वाला सेक्शन है वहाँ पे आ जाइए, और आने के बाद यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टैप करना है। इसके बाद क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है, आप सुन सकते हैं। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो सिंपली ऊपर में जाइए, और जाने के बाद इसको स्टॉप कर दीजिए, और करने के बाद इसको बैक करके एकदम से YouTube ऐप को ऑफ कर देना। और ऑफ करने के साथ साथ यहाँ पे जो कि आपका बैकग्राउंड प्ले होगा वो YouTube का स्टॉप हो जाएगा, और सिंपली आप दोबारा YouTube में बैक करके जा सकेंगे। ठीक है, ये तो हो गया भाई सबसे पहला सेटिंग्स। आप लोग, हम लोग बात करते हैं सेकंड सेटिंग्स के बारे में। सेकंड सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एक रियलमी या ओप्पो A3s यूज़र है, क्योंकि रियलमी एंड ओप्पो A3s में आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन कैमरा में नहीं मिलता कुछ पुराने फ़ोन्स में। तो कैसे आप क्रोमा बूस्ट को रियलमी एंड ओप्पो A3s में एनेबल कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे आइए, किसी भी आपका जो मोबाइल का गैलरी है वहाँ पे आ जाइए, और आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो को क्लिक करके रखे हैं, और ये फ़ोटो थोड़ा बहुत डल लग रहा है। अगर यहाँ पे आप क्रोमा बूस्ट को एनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट में चले जाइए, फोटो के नीचे आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पे आपको ऑटो एनहांसमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ऑटो एनहांस हो रहा है, और आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका पिक्चर थोड़ा बहुत डल नजर आता है तो उसके बाद आप यहां पे एडिट बटन में आके इसको कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, और आपके पसंदीदा कलर में सेट करके सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं। तो यहां से आप अपने फोन के क्रोमा बूस्ट को एनेबल कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया फीचर्स लगा मुझे। तो अभी बात करते हैं तीसरी सेटिंग्स के बारे में। अगर आपके पास ओप्पो A3s है, और अगर आप ओप्पो A3s में गेमिंग करते हैं, तो ये सेटिंग्स आपके लिए है। सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल फोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। अब डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करना है ये तो सभी को पता है। तो अगर डेवलपर ऑप्शन में आप ऑन करते हैं तो सिंपली जाइए, थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इनेबल फोर्स 4xMSAA। तो अगर आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करते हैं और थोड़ा बहुत नीचे आते हैं हार्डवेयर एक्सेलेरेशन रेंडरिंग वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे 4xMSAA फोर्सेस मिल जाएगी, जहाँ पे OpenGL 2.0 ऐप सपोर्ट करता है, जो कि बेसिकली पबजी और फोर्टनाइट टाइप का गेम है। अगर आप इसको ऐसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगा, जो कि आपका मोबाइल का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 4 times एनहांस कर देगी। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए, और ये अप्लाई करने के बाद आपका फीडबैक क्या है मुझे ज़रूर से नीचे कॉमेंट करके बताना। अभी हम लोग बात करते हैं एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या है, आप रियलमी हो जाए, ओप्पो A3s हो जाए, किसी भी फ़ोन हो जाए, आप किसी भी फ़ोन में बेसिकली क्या करते हैं, मोबाइल में गाना सुनते हैं। तो गाना सुनने के टाइम आप हेडफोन यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि हेडफोन का जो दो साइड है, दो साइड में सेम टाइप का साउंड नहीं आते, एक टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक आते हैं और एक टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा बेस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कान में जो हेडफोन का स्पीकर है उसको दूसरे कानों में शेयर नहीं करके किसी और के साथ
शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन में इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मोबाइल के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो एंड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, वहां पे आपको मोनो ऑडियो नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा, आपको इसको इनेबल करना है। मोनो ऑडियो को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो हेडफोन के दोनों तरफ बेस और म्यूजिक एकदम से मैचुअल हो जाएगा, ताकि आप जो म्यूजिक सुन सके वो एक ही हेडफोन से काफ़ी अच्छे सुन सके, आपको बेस या म्यूजिक का कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी। भाई लोग ये तो हो गया भाई फोर स्टेप। अभी बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है यहाँ पे गूगल का। तो गूगल का इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ओप्पो A3s यूज़र है। तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपका अकाउंट का जितनी सारी ऑप्शन है वो आ जाएंगी। तो अकाउंट का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड ऐप्स। तो ये जो कनेक्टेड ऐप्स वाला ऑप्शन है, तो बेसिकली ये ऑप्शन में यही है कि अगर आप एक जीमेल अकाउंट बनाया है और जीमेल अकाउंट से मान लीजिए क्लैश रॉयल, क्लैश ऑफ क्लैंस, गाना, जीप, एग्जिस्टर, व्हाट्सएप, ये सारे एप्लीकेशंस को एक साथ सिंक करे हुए हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई फर्जी एप्लीकेशन है तो नहीं। अगर है तो सिंपली जैसे कि मान लीजिए टिक टिक एप्लीकेशन को मैं ऐसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और डिस्कनेक्ट करने के बाद टिक टिक एप्लीकेशन से मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो टोटली डिलीट हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं रियलमी के या ओप्पो के डिवाइस में, तो ज़रूर इस सेटिंग्स को अप्लाई कर देना। तो भाई लोग ये था मेरा टॉप 5 फीचर्स। अभी आप बताओ आपको ये फीचर्स कैसा लगा, आपको क्या ये फीचर्स पहले से पता था ये नहीं था, सब कुछ कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।